आज बात करेंगे सिलूरी फॉर्मिश यानी कैटफिश। कैटफिश की जनरल कैरेक्टरफिश होती है, बॉडी सिलिंड्रिकल होगा, आइदर नेकेड और कवर्ड विद द बॉडी प्लेट्स, या तो इसमें सिलिंड्रिकल्स होंगे बॉडी प्लेट्स होंगे या ये पूरी खाली होंगी, पूरी नेकेड होंगी, स्लिपरी होगी पूरी। नॉर्मली अप टू 4 पेयर ऑफ बार्बल्स होंगे, देख सकते हैं 1, 2, 3 और एक ये 4, 1, 2, 3, 4 और कुछ कुछ स्पीसीज में 3 पेयर ऑफ बार्बल्स होती है, जैसे कि रीता। एडिपोज फिन यूजुअली प्रेजेंट होती है, यूजुअली मतलब ऐसा नहीं कि हर फिश में प्रेजेंट होंगी, यूजुअली प्रेजेंट पाई जाती है। एडिपोज फिन एक कैरेक्टर है सिलूरी फॉर्मिस का। पेक्टोरल एंड डोर्सल फिन सपोर्टेड बाय स्पिनियस रे। जो पेक्टोरल फिन होगी या डोर्सल फिन होगी तो कभी कभी इसमें स्पाइंस दिखेंगे, जैसे कि इसमें पेक्टोरल फिन में ये दोनों एजेस पे हम लोग को एक स्पाइंस मिलेंगी। यहाँ पे देखोगे, ये देखिए ये वाली स्पाइंस। तो अब मेरे पास मेनली एक फैमिली है जो है क्लैरिडी फैमिली। क्लैरिडी फैमिली से मेरे पास एक फिश है जो कि अभी तक क्लैरिस बेटरकस के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसको क्लैरियस मांगूर के नाम से जाना जाता है, जिसका कॉमन नेम वॉकिंग कैटफिश और मांगूर है। इसकी कैरेक्टर फीचर्स क्या है हम अभी बात करते हैं। बॉडी इलोंगेट होगी और सिलिंड्रिकल होगी, बॉडी इलोंगेट है और एक सिलेंडर शेप का है। डोर्सल एनाल फिन लॉन्ग होगी, डोर्सल फिन एनाल फिन दोनों की दोनों लॉन्ग होंगी, बट नॉट कन्फ्लुएंट विथ कॉडल फिन। कॉडल फिन के साथ कन्फ्लुएंट नहीं है, एक नॉच बनी हुई है, यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है। दूसरी कैरेक्टर इसकी क्या है कि इसकी जो कैरेक्टर एक ये है कि इसकी जो पेक्टोरल फिन है, ये वाली पेक्टोरल फिन, ये है पेल्विक फिन, जिसमें पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन के दोनों साइड्स नोच एजेस पे एक सेरेटेड स्पाइन होंगे, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी। फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरी की कैरेक्टर इसकी ये है कि ये जो पेल्विक फिन है और ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन से अगर आप ऊपर जाओगे ये यहाँ से, तो ये जो डोर्सल फिन का जो ओरिजिनेशन है वो पेल्विक फिन के पहले हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब पेल्विक फिन से अगर पहले ओरिजिन है तो इसका मतलब ये क्लैरियस बेट्रेकस है, अदरवाइज अगर इसके पास होती तो क्लैरियस डिसुमेरी हो जाती, ठीक है। तीसरी बात इसकी ये है कि एनाल फिन रे लगभग 45 से 58 रेज होंगे, अगर आप इसको काउंट करोगे रेज तो 45 से 58 रेज होंगे इसमें, ठीक है। और एक तो डिस्टेंस, एक तो कॉमन एग्जांपल ये है कि पेक्टोरल फिन में दोनों तरफ से सेरेटेड स्पाइंस होंगी, ये इसी कैरेक्टर है। 4 पेयर ऑफ बार्बल्स होंगे, बॉडी सिलिंड्रिकल होगी, इलोंगेटेड होगी, स्केललेस होंगे, राउंडेड कॉडल फिन होंगे, ये इसकी कैरेक्टर है क्लैरिस बेट्रेकस की। अब देखते हैं इसका डोर्सल फिन, तो ये हो गया। अब कभी कभी कंफ्यूजन आता है डोर्सल फिन में और एडिपोज फिन में, तो ये हमारे पास एक मिस्टर्स की स्पीसीज है, इस पे ये एडिपोज फिन, ये डोर्सल फिन, ये एडिपोज फिन है, ये मिस्टर्स की स्पीसीज में, तो एडिपोज फिन बिल्कुल अलग रहेंगे और ये हो गए हमारे डोर्सल फिन। ये दो तरह की फिश, ये दोनों ही क्लैरियस मांगूर है जो कि वॉकिंग कैटफिश कहा जाता है, और ये एयर ब्रीदिंग फिश यूज होती है। इसमें भी 4 पेयर्स, 1, 2, 3, 4 बोथ द साइड्स, मींस 8 बार्बल्स इसमें भी। सो अभी यहीं तक था, कुछ डाउट होगा तो। और ये फिश को स्टेट फिश ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, स्टेट फिश ऑफ बिहार अगर कोई बोले तो क्लैरिस मांगूर ही होंगे। थैंक यू।